हेलो एवरीवन, वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है व्हाई माय वेट इज नॉट रिड्यूसिंग इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है? मैंने सब कुछ फॉलो किया, मैंने सब कुछ शुरू किया, सही तरीके से किया, तो मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है? मैंने एक गोल प्लान बनाया, मुझे पता है कि मुझे कितना वेट लूज़ करना है, मैंने वो कर लिया, सारा कुछ डायरी में लिख लिया और मैंने वर्कआउट भी शुरू कर दिया। मैं अपनी डाइट में भी फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ और फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ 2 किलो वेट कम हुआ, अब नहीं हो रहा है। तो वो तो आपने बोला था 2 किलो तो वाटर रिटेंशन वाला है, वाटर वेट है, अब मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा? सो टुडे वी विल आइडेंटिफाई द बैरियर्स। ओके, बैरियर्स क्या है? ये वेट कम क्यों नहीं हो रहा है अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो? तो आप किसको देखोगे? मुझसे पूछोगे, किसी और से पूछोगे, या आप देखोगे कि आप क्या कर रहे हो? तो पहले चेक करो, क्या आप हर चीज कर रहे हो सही तरीके से? कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट होगा जो आप मिस कर रहे हो। ओके, क्या आप वर्कआउट कर रहे हो? नॉर्मली पीपल से कि आपको 5 दिन वर्कआउट करना चाहिए और 2 दिन रेस्ट करना चाहिए। आई आस्क व्हाई, क्यों? मैं कोई ऐसा तो वर्कआउट नहीं कर रही हूँ कि वन डे आई एम डूइंग आर्म्स और एकदम मेरे पास ट्रेनर भी है और मेरे आर्म्स को पूरा बर्न कर दिया उन्होंने 1 घंटा काम करा के, फिर नेक्स्ट डे आई एम डूइंग लेग्स, देन आई एम डूइंग एब्स, देन अगेन आर्म्स, देन एब्स, देन लेग्स। ऐसा तो हम वर्कआउट नहीं कर रहे, वी आर डूइंग मॉडरेट एक्सरसाइजेज। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डूइंग एवरी डे? एटलीस्ट डू इट फॉर 15 to 20 minutes एवरी डे। इनिशियली जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो डू इट एवरी डे। हाँ, किसी दिन आपकी तबीयत खराब है, टाइम बिल्कुल नहीं है, मीटिंग है, घर में लोग आ गए हैं, कुछ है, तो अलग बात है कि आपने वो किया है। यू डोंट हैव टू टेक अ ब्रेक। 2 दिन आराम करना है। और मैं बताऊं, 2 दिन का लोग क्या करते हैं कि 5 दिन आराम और 2 दिन वर्कआउट करते हैं, उससे कहाँ पेट कम होगा? फिर तो वही रहेगा ना कि 2 किलो कम हो और वापस 1 महीने में वो 2 किलो भी बढ़ जाएगा। तो नहीं, हमको ये नहीं करना है। प्लीज अब ज़्यादा रेस्ट के बारे में अभी ना सोचें। अभी तो हमने शुरू किया है ना वेट लॉस करना, तो अभी हम लोग काम करेंगे। जब हमारा वेट लॉस हो जाएगा, जब हम डिजायर्ड वेट पे पहुंच जाएंगे, जब वेट मेंटेनेंस वाला फेस आएगा, तब हम देखेंगे कि आराम कहाँ करना है, कितना ब्रेक लेना है वर्कआउट से, डाइट से, सारा कुछ। नेक्स्ट थिंग इज डाइट। लोग मुझे लगता था आई एम फॉलोइंग माई डाइट, मतलब अपना वेट लॉस करने के बाद 10 kg के बाद मुझे लगता था आई एम फॉलोइंग माई डाइट। ऑनेस्टली मुझे लगता था कोई बात नहीं, मैंने 1 टाइम चावल खाया है, अगले टाइम तो मैंने ये खा लिया है अपने डाइट से रिलेटेड, और थोड़ा आलू भुजिया खा लिया, थोड़ा नमकीन खा लिया, आई एम ऑन माई डाइट, आई एम डाइट, आई एम फॉलोइंग द डाइट। वो हमें लगता है, हम अपने आप को दिलासा देते हैं कि हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट क्या हम एक्चुअल में डाइट फॉलो कर रहे हैं? क्या हम बिंज ईटिंग नहीं कर रहे हैं? थोड़ा चिप्स खा लिया, थोड़ा पॉपकॉर्न खा लिया, थोड़ा ये खा लिया, थोड़ा वो खा लिया, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, थोड़ा सा फ्रूटी पी लिया मैंने, और फिर भी मुझे लगता है कि मैं डाइट में हूँ रियली? मतलब जब आप वेट लॉस कर रहे हो उस टाइम तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना डाइट को। अगर उस टाइम पे भी आप बोलोगे थोड़ा सा खा लूंगा, आज खा लूंगा, कल खा लूंगी, ऐसे करोगे, तो वेट लॉस भी बोलेगा कि कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, 10 साल बाद जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं भी बैठा रहूंगा, आप खाते रहो मैं बैठा रहूंगा, ऐसे ही होगा ना। सो वी हैव टू गेट डिसिप्लिन। और सिर्फ वेट लॉस में नहीं, लाइफ में आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लीजिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दे आर डिसिप्लिन। सेकेंड, फोकस। फोकस इधर से उधर होगा ना, आज ऑफिस में QBR है, इसका मीटिंग है, उसका मीटिंग है, मंथली रिव्यू है, अप्रेजल है, तो मैं नहीं करूंगा। अरे उसका अप्रेजल होगा, उसका पैसा पड़ेगा, तुम्हारे टीम मेंबर का पड़ेगा, आपका पड़ेगा, नहीं पड़ेगा पता नहीं, आपका वेट लेकिन ऊपर बढ़ रहा है, मेडिकल बिल्स ऊपर जाएंगी, पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको टाइम देना है। एंड जो ये डाइट में जो भी लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, ये आपने जिन लोगों ने भी आज तक वेट लॉस में डाइट से किया है या फॉलो किया है डाइट को बहुत रिलीजियसली, वो आपको ये बात बोलेंगे दैट यू हैव टू प्लान योर डाइट अ डे अहेड, एटलीस्ट अ डे अहेड। मैं तो अपना 3-4 दिन का अहेड प्लान करके रखती हूँ कि आज मुझे ये खाना, आज मुझे वो खाना है, वो खाना है, वो खाना है, ताकि ये ना हो जब मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ तो आई विल सी, अरे ओट्स नहीं है, बेसन नहीं है, ये नहीं है, प्याज नहीं है, वो नहीं है, चलो आलू खा लेते हैं, चलो चावल खा लेते हैं, चलो पराठे खा लेते हैं, मेरा फेवरेट पराठे खा लेते हैं। फिर वही होगा, वेट बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा, मैं बैठूंगा यहाँ, वहाँ, 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 हर जगह वो बैठा रहेगा। ओके, सो यू हैव टू प्लान योर डाइट बिफोर हैंड, मतलब कि आप डाइट में क्या खाओगे। मैंने तो अपने 7 डेज का रूटीन ही बनाया हो कि मंडे में ये खाऊंगी, ट्यूजडे में ये खाऊंगी, वेडनेसडे में ये खाऊंगी, और मंथली सामान खरीद के रख लिया, ताकि वो टेंशन ही ना हो जब हम खाना बनाने जा रहे हैं उस टाइम पे, ये टेंशन ना हो कि अरे क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। ये सबसे बड़ा रीजन है लोगों का कि उनका डाइट क्यों टूट जाता है, क्यों वो डाइट फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्लान नहीं करते हैं।
और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो प्लानिंग तो कर लेते हैं कि आज मैं ओट्स खाने वाली हूँ, दलिया खिचड़ी खाने वाली हूँ, कल मैं चीला खाने वाली हूँ, कल मैं ओट्स खाने वाली हूँ, ये वो प्लान कर लेते हैं, लेकिन उनके पास सामग्री ही नहीं है। सो दैट इज नॉट प्लानिंग, कि आपने आधा प्लान किया और आधा तो आपने देखा ही नहीं कि यहाँ पे आपके पास राशन है या नहीं उस चीज़ का, तो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ है कि नहीं। सो प्लीज़ प्लान योर डाइट। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डाइट्स भी बताना शुरू करने वाली हूँ कि वेट लॉस के लिए आपको क्या क्या चीज़ों में चेंज करना है, सिर्फ वेट लॉस में। जब आप वेट मेंटेन वाले फेज में आओगे तो आप वापस कैसे आ सकते हो, क्या क्या चीज़ों को वापस हम ले सकते हैं, वो भी। जिंदगी भर ऐसा नहीं है कि आपको यही खाना खाओगे, और ये खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने टेस्ट डेवलप कर लिया, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि आपका वेट ऐसे कम होते होते 10 kgs, 5 kgs, फिर 2 kgs, फिर 1 kg, 1 kg, 1 kg, 0 kg हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आप उसको लाइफ लॉन्ग भी फॉलो कर सकते हो, और ये कोई मैजिक फूड नहीं है कि आपका उसको खाने से, कोई टैबलेट्स नहीं है कि उसको खाने से आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये सिर्फ हम वेट लॉस के टाइम पे अपने डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं डाइट पे, दैट्स ऑल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो बनाया है हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स ड्यूरिंग वेट लॉस, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस वीडियो, बट यस यू शुड वॉच दैट ऑल्सो, सो दैट यू गेट अ रिफ्रेशर कि हमारा वेट लॉस जो हमने जर्नी शुरू की है, सब कुछ ठीक किया था, बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन वो अचानक से रुक कैसे गया है। देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आई विल कवर अप इन अदर वीडियोज, एंड सी यू अगेन इन अनदर वीडियो विद अ न्यू टॉपिक ऑन वेट लॉस, एंड टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।